हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। मैच नंबर 28, मुंबई वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट। तो मुंबई इंडियंस का जो मैच होने वाला है, ये होने वाला है वानखेड़े में, जो कि है होम ग्राउंड मुंबई का। और कल की जो मैच मैं आपको नहीं दे पाया था, आरसीबी वर्सेस केकेआर, जो केकेआर वर्सेस आरसीबी जो ईडन गार्डन से हुआ था, बहुत ही अनयूजुअल सा मैच हुआ था वो। और लोएस्ट टोटल कल जो बनाया है हिस्ट्री ऑफ आईपीएल के अंदर, मतलब जो आईपीएल की हिस्ट्री है उसमें अब तक लोएस्ट टोटल था वो जो कल आरसीबी ने बनाया। तो अलग सा मैच था थोड़ा, ठीक है, नहीं दे पाया मैं, थोड़ा बिजी था। और रात को एल क्लासिको जो हुआ बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड, वो भी नहीं दे पाया। तो कोई बात नहीं, आज का मैच देता हूँ, आप चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं उस वाले मैच में, बनाते हैं सीधा टीम। तो ध्यान से सुनना क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना एक बार। दो ऑप्शन हैं, महेंद्र सिंह धोनी और पार्थिव पटेल। तो पहले मैं आपको पार्थिव पटेल वाली टीम बना के दिखाता हूँ कि क्या लेना है अगर आपको कोई किसी एक को चूज़ करना होगा आज के मैच में। तो पहले पार्थिव पटेल वाली एक छोट दो चेंज होंगे अगर हमें एमएस धोनी लेना है। तो पहले मैं बता दूं, रोहित शर्मा को उस मैच में मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस पहली बार ऐसा आईपीएल के सीज़न में हो रहा है कि रोहित शर्मा इतने ज़्यादा फ्लॉप चल रहे हैं। एक तो बैटिंग बहुत नीचे आती है उनकी, ऊपर से अब फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं, तो उनको लेना मुझे नहीं लगता इस मैच में सही रहेगा। रिस्क नहीं लिया जाता, इन फॉर्म प्लेयर्स को ही हम लें तो ज़्यादा सही रहेगा, जैसे कि जॉर्ज बटलर हैं, नीतीश राणा फॉर्म में है, वन डाउन भी आते हैं तो अच्छी खासी इनको बैटिंग मिल सकती है। तो अभी हमने इस मैच में लिया है यहाँ पर पार्थिव पटेल। तो आगे चलते हैं बैटिंग में, यहाँ पे लेते हैं स्टीव स्मिथ, अच्छे खासे प्लेयर हैं। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड जो है मुंबई के अगेंस्ट बहुत 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 ही तगड़ा है। और वानखेड़े पे तो और भी अच्छा रिकॉर्ड उनका हो जाता है, क्योंकि एक तरह से होम ग्राउंड है उनका। रणजी सीजन जो है मुंबई से खेलते हैं वो, तो होम ग्राउंड है उनका, वो बचपन से वहीं खेलते आए। तो रहाणे अच्छा परफॉर्म करते ही हैं मुंबई के अगेंस्ट। राजस्थान रॉयल्स से भी बहुत बार जब खेलते थे तो मुंबई के अगेंस्ट हमेशा रन करते थे, जहाँ तक मुझे याद है। नीतीश राणा को लिया है, जॉश बटलर को लिया है, और नीचे एक बहुत अच्छे प्लेयर उभर के आ रहे हैं जो कि है राहुल त्रिपाठी। तो ये पांच बैट्समैन रहेंगे जो कि हमारे टीम में रहने वाले हैं आज में। तो यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, तो अब चलते हैं सीधा इसमें। बेन स्टोक्स को लिया है, कृणाल पांड्या को लिया है अपनी टीम में मैंने ऑलराउंडर की तरफ से। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डैन क्रिश्चियन और हार्दिक पांड्या, तो ये दो ऑप्शन और रहेंगे हमारे पास अगर हम इन पर इनको लेना चाहते हैं तो। और अगर बॉलिंग की तरफ चले तो इमरान ताहिर लेना सही रहेगा, क्योंकि हमेशा विकेट तो लेते ही हैं। जसप्रीत बुमराह एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, और एक मिचेल मैकलैनहन आप हमेशा जरूर अपनी टीम में लिए, दो तीन विकेटें वो लेते ही हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं कभी एक बार, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें विकेटों से मतलब है, तो विकेटें वो लेते ही हैं। तो मिचेल मैकलैनहन लेना है इस मैच में। मिचेल जॉनसन की जगह आई थिंक लसित मलिंगा आ जाएंगे, लास्ट मैच में इलनेस की वजह से वो नहीं खेले थे, पर अब वो आई थिंक 100% फिट हैं, तो मतलब लसित मलिंगा सीधा सीधा अंदर आएंगे मिचेल जॉनसन की जगह। तो ये थी टीम पार्थिव पटेल वाली, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब हल्का सा अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि एमएस धोनी ने लास्ट मैच फिनिश करके दिया था, बहुत तगड़े फिनिशर हैं जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो एमएस धोनी और अब तो नंबर फोर पे भी आ रहे हैं, लास्ट दो मैच से नंबर फोर पे आए हैं, तो अच्छा खासा एक ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको एमएस धोनी लेना है तो यहाँ से आपको जसप्रीत बुमराह को हटा करके या तो जयदेव उनटकट लेना है, या लेना है आपको शार्दुल ठाकुर। तो मैं आपको ऑप्शन में बोलूँ तो शार्दुल ठाकुर लेना, क्योंकि ये भी रणजी सीजन इनका मुंबई से खेलता है, मुंबई के बॉलर हैं, बहुत खेले हैं वानखेड़े के पिच पे, तो उनको अच्छी तरह से पता है कहाँ बॉल डालने कहाँ नहीं। तो शार्दुल ठाकुर को लेना, जयदेव वनटकड़ भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये भी खेलेंगे, तो इन दो में से मैं शार्दुल ठाकुर पे जाऊँगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो जयदेव वनटकड़ के पास भी जा सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बनेगा। और महेंद्र सिंह धोनी के क्रेडिट है 9.5, अभी हमारे वहाँ 9, तो हम यहाँ से चेंज करेंगे कृणाल पांड्या को हार्दिक पांड्या से। तो दोनों पांड्या ब्रदर्स एक जैसे ही हैं, तो अच्छे खासे बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो अच्छा रहेगा इनको भी लिए जाए तो, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी हार्दिक पांड्या की भी। तो अब हम एमएस धोनी को बहुत इजीली अपनी टीम में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट करता हूं, और अब आपको टीम मैं एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूं कि ऐसी कुछ टीम रहेगी अगर हम एमएस धोनी को लेते हैं तो, ये टीम रहेगी। और अब मैं चलता हूं, अब आइए मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको फर्स्ट टीम के साथ जाना है या सेकंड टीम के साथ जाना है। तो दैट्स इट, मैं पार्थिव पटेल को बनाने वाला हूँ आज के मैच में। और अगर हम चलें ऑलराउंडर की तरफ, तो मैं सीधा फिर वही चेंज करूँगा कृणाल पांड्या, और यहाँ से मैं चेंज करूँगा शार्दुल ठाकुर को सीधा सीधा जसप्रीत बुमराह से। तो मेरी ये टीम रहेगी, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो दैट्स इट, इस मैच में कैप्टन मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनके रहाणे बहुत अच्छा खेलते हैं मुंबई के अगेंस्ट, और लास्ट दो तीन मैचों से, पिछले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट तो उन्होंने रन बनाए थे, पर लास्ट मैच जो हुआ था उसमें वो जल्दी आउट हो गए थे, जहाँ तक मुझे याद है उस सनराइज़र हैदराबाद की मैच में जो वो जल्दी आउट हो गए थे। तो आई थिंक आज के मैच में वो अच्छा रन करेंगे, और होम ग्राउंड भी है जिनके रहने का। और साथ में मैं बनाने वाला हूँ स्टीव स्मिथ को,
अगर आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छा, जो कि नीतीश राणा, जॉर्ज बटलर एक अच्छा ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन बहुत अच्छे रहेंगे। कृणाल पांड्या भी एक अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग आएगी, बॉलिंग चार ओवर कराएंगे, तो अच्छा खासा वो भी एक ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन आज आपके पास हैं, पर मैं जाने वाला हूँ दोनों अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ, तो सेव करता हूँ टीम को। बाकी अगर आपको एमएस धोनी वाली टीम लेनी है तो उसमें भी आप इन्हीं दो प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि चेंज फिर सिर्फ विकेट कीपर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की जगह शार्दुल ठाकुर आएंगे। तो दैट्स इट, अगर आपको टीम पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।